रे हम सदके तुम्हारे। ये क्यों आया यहाँ? आप क्यों हैं? मैं तुम्हारे ताया का बेटा हूँ शानू। वो मेरी खाला का बेटा है भाजी। अब मुझे पता चला चाचा मुझे रखवाली पर क्यों बिठा कर गए थे। मुझे भी अब पता चला कि खुदा ने उसको मेरी रखवाली के लिए क्यों भेजा। ये बात चाचा के सामने होगी। आप ये बात करो ना करो भाजी, मैं तो उनके आते ही उनसे पूछूंगी कि मेरा नाम मेरा मेरी रखवाली कैसे कर सकता है। अब आप जाओ भाजी। उसको पता चला कि आपने उसके आने पर सवाल किया है तो जरा लिहाज नहीं करेगा। मैं उसे गुस्से वाला कहती हूँ, लोग उसे बदतमीज कहते हैं। ठीक है फिर, अब रात में ही बात होगी। चेक करके आना। वो रात यहाँ रहा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे बात करें। गुंडा बुलवाया लाहौर से। गुंडा नहीं, पढ़ा लिखा गुंडा। ठीक है, पिलाओ चाय, करो खातिरदारी। रजिया, दरवाजा बंद कर ले। क्या हो गया, पसीना क्यों आ गया तुम्हें? उसे डर लग गया कप्तान। डर? मैंने तो सुना था ऊंची आवाज में बात नहीं करती, गुस्सा करती है ना, चिढ़कर बोलती है। तो क्या गुस्सा कर रही थी? अभी मैं देख कर आया हूं, अपने ताया के बेटे को खरी खरी सुना रही थी। क्या कह रही थी? सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था उसका। एक काम कर, खत ना दे उसे, जुबानी बात कर। जुबान चलेगी उसके सामने? तू तो कह रहा था तेरे से डरती है। उसको ये नहीं पता कि मैं भी डरता हूं उससे। कर लो गल। चल अब दरवाजा खटखटा। चाय थैंक यू। वो तुम्हारे ताया का बेटा चला गया? जी। खाला खालू कहाँ है? वो शाम को आ जाएंगे।
आज पहली दफा बात की है उसे। मीठा बोलती है बहुत। आवाज सुन ली है मैंने। चल मैं चाय पीता हूं, तू खत देके आ। नहीं अभी नहीं, बस जाने से पहले दे जाऊंगा। ओए ये देख कप्तान, टेप रिकॉर्डर। इससे मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दूं? खत पढ़ेगा क्या? नहीं गाना गाऊंगा। गाना गाएगा? मैं जब गाऊंगा ना तो हंसी थम जाएगी तेरी। एक गाना हमेशा उसका नाम लेकर गाता हूं, दिल से गाता हूं तो ऐसे लगता है कि अच्छा गाता हूं। मैं तुझे दिल से प्यार करता मुझे जिंदगी से प्यारा है, छोड़ दूं मैं पकड़ के हाथ तेरा, भूल कर भी ना ऐसी भूल करूं जिसमें बिखरे न हो तेरे जलवे, ऐसी जन्नत न मैं कबूल करूं। एक है अपने प्यार की मंजिल, एक ही रास्ता गवारा है। आ जाइए। आ जाओ खालू जी। इसी घर में आपका फोन आता था। अच्छा। ये मेरा दोस्त है जमील, पूरे गांव में बस इसी के घर में फोन है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया की क्या बात है जनाब, आप डॉक्टर साहब के खालू हैं तो मेरे भी खालू हैं। मैंने 10 मिनट का बोला था, आप तशरीफ रखिए। दो आ गया। हेलो, मैं फयाज बोल रहा हूँ। जी होल्ड कीजिएगा, कोई फयाज है। अच्छा हेलो चाचा जी, मैं फयाज बोल रहा हूँ। हाँ बोल फयाज, खैरियत तो है? बाकी तो सब खैर है, पर वो लाहौर वाला खलील आया है। खलील? वो क्या लेने आया? कहता है समड़ियाल में क्रिकेट मैच खेलने आया था, रस्ते में सोचा खाला के घर से हुआ हूँ। झूठ बोल रहा है वो, उसको पता है कि खालू खाला घर पे नहीं है। तू उधर ही ठहर, मैं आता हूँ। सुनो तो सही चाचा जी। हाँ बोल। शानू मैडम कहती है कि मैं अपने घर जाऊँ। वो कौन होती है कुछ बोलने वाली? तू जाकर उधर बैठ और चुप करके देख के वो क्या करता है और किस लिए आया है। अल्ताफ को साथ ले जाऊं? हाँ ले जा, मैं आता हूं। शुक्रिया। होगा देखा जाएगा। उस दिल शादबाग से बाहर तू बुजदिल ही है। शादबाग से बाहर नहीं, अपने आप से बाहर बड़ा बुजदिल हूं मैं। आप तो आकर कमरे में ही बैठ गए, हमसे तो बात ही नहीं करते। चलो बात करते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया है, ये कौसर है और ये मैमूना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं आठवीं में पढ़ती हूँ, कौसर पांचवीं में और ये दूसरी में पढ़ती है। और आपकी बाजी किस क्लास में पढ़ती है? वो बारहवीं क्लास में पढ़ती है। इनसे पूछ ये किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं बारहवीं पढ़ चुका हूँ। आप बहुत गुस्से वाले हैं खलील साहब। मैं गुस्से वाला तो नहीं हूं। डर क्यों गई हो? वो फिर आ गया। कौन? फयाज। पूछ रहा था कि आप यहां क्यों आए हैं। ये बात मैं बताता हूं उसे। नहीं, आपको मेरी कसम। कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारी कसम। अरे आप कहाँ रह गए थे? ये कौन है? कजन है मेरा। वालेकुम अस्सलाम। साले मैं आपकी कहानियां छुपती है ना? जी मैंने आपकी सारी कहानियां पढ़ी है। अच्छा जी, मुझे अपना एड्रेस देके जाइएगा, मैं आपको खत लिखूंगा। जरूर दूं। आप अंदर आइए ना। तू घर जा। आप भी पढ़ते पढ़ाते हो तो बस रखवाली करते हो। बीएससी कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो? साथ ही। बैठो। सच बताऊँ आपको, मैं समरियाल में मैच खेलने नहीं आया था। खाला खालू घर पर नहीं थे तो सोचा नजर भर कर अपनी मंगेतर को देख लूं, इसलिए बहाना करके आ गया। चुप रहते हो? चुप लग गई है, कोई बात बात करो। मैंने तो सुना नहीं कि आपकी कोई मंगेतर भी यहां रहती है। सुनाने ही तो आया हूं। शानू से बचपन की मम्मी है मेरी, तुम भी सुन लो और जिसको नहीं पता उसको भी जाकर बता दो। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूं मैं। एक बार क्रीज पर खड़ा हो जाऊं तो अपनी मर्जी के बगैर आउट नहीं होता। चाहो तो कभी खेल कर देख लेना। इजाजत? जा रहे हो? आपकी वजह से 15 मिनट ज्यादा बैठ गया। खाला खालू आने वाले हैं। जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा करके जा रहा हूं, मुलाकातें मैं बाद में कर लूंगा। और एक बात याद रखना, मुलाकात की हामी भर लूं
तो मुलाकात जरूर करता हूँ। चल कप्तान, कूच का वक्त आ गया, जल्दी कर, खाला खालू आने वाले हैं। खत दे दिया? दे दिया है, जल्दी कर। मर्द का बच्चा है तो फिर खाला खालू के आने तक रुकता हूं। सुना तो यही है भाजी कि मर्द का बच्चा है, अगली दफा आजमा लेना। बात सुने, रंग गंदुमी, कद लंबा, आंखें गहरी, बाल भी पीछे बनाते हो, लाहौर से आए हो? जी। आपका नाम खलील है? जी। मेरी शानों के खलील, कौन है? शानो, सलाम भाजी। चल उठना, चल चलती कर। मैंने देखा है उसे, आज मैंने भी देखा है उसे। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, अक्कड़ भी नहीं थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। पर तुमने उसे पहचाना कैसे? सारी दुनिया में एक मर्द देखा जिसके चेहरे पर उसकी शक्ल नहीं थी। कल रूप खलील का, शक्ल शानों की। मैं तो देखते ही पहचान गई थी यही खलील है। ना कर, मैं मर जाऊंगी। अब तो चाहे मर जा, काम पूरा हो गया तेरा। कुछ कहा उसने? नहीं, खत देखी है। हाय मैं मर गई, पढ़ लिया? ना बाबा, फयाज जाएगा तो पढ़ूंगी। चल देख के पैसे निकाल। शानू पैसे निकाल। शानू ऐसे जाने नहीं दूंगी। मंजर पूरी हुई है तेरी, ऐसे कैसे जाने दूंगी? नहीं देती पैसे। दरगाह पर जाके देख चढ़ा। उसके लिए तो कानों की बालियां बेच दूंगी। कल चढ़ाऊंगी जाकर। मुबारक हो। खैर मुबारक हो। एक मिनट, मैं अपनी घड़ी और चश्मा तो वहीं भूल आया। तो तू बैठ, में लेकर आता हूं। अबे रहने दे यार, चल चलें। कैसे रहने दूं, भेड़िया बकरी की रखवाली पर बैठा हुआ है। ऑफिस जाऊंगा तो उसे यकीन आ जाएगा कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। आया।
खलील। जगह ही पा रही है, पहले भी इधर ही खराब हुई थी। खराब तो यही हुई थी, पर उस दिन इसका मुंह तूती चक की तरफ था। अमीन और शीदा उससे मिले बगैर क्यों चले गए? फोन आया था वहां से। खैर का फोन था? उनके लिए खैर का फोन नहीं था खाला जी। खलील बैलगन पहुंच गया। क्या? वो क्या लेने गया वहां? समरियाल में मैच खेलने गया था, वापसी में उनके घर चला गया। ये उसने अच्छा नहीं किया मकसूद। क्यों अच्छा नहीं किया खाला जी? उसकी खाला का घर है वो, और खाला के घर में मंगेतर रहती है उसकी। और कोई ये कह भी दे कि मंगेतर से मिलने गया, तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपनी घड़ी और ऐनक भूल गया, जरा ढूंढ कर देना मुझे। जी। अभी से भूलने लगे हो आप? जब कोई खास चीज याद रह जाती है बाकी सब चीजें भूल जाती हैं। घड़ी कहाँ रखी थी? अब याद नहीं। खत पर किसी की नजर तो नहीं पड़ी? नहीं। खत को आज ही पढ़ लेना और आज ही जवाब लिख देना। जवाब नहीं लिखूंगा। इतवार के दिन खाला खालू आएंगे तो जवाब मिल जाएगा। जवाब आएगा तो खाला खालू आएंगे। ये पढ़े हैं। मैं और किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ तुम्हारे जवाब ना देने से डरता हूं। इस तरह देखोगी तो जा नहीं सकूंगा। मैं सहेली हूं इसकी, पक्की वाली। हुमैरा नाम है मेरा। तुम्हारी मुस्कुराहट से लगता है कि बलगन वाले बड़े दिल वाले हैं। अमीन की गाड़ी खड़ी है। लगता है फिर खराब हो गई है।
तू खत पढ़, मैं पहरा देती हूँ। कमीना अगर ऊपर आया तो मैं शानू कहकर आवाज दूंगी, समझ लेना ऊपर आ रहा है। शानू, पता नहीं कैसा लगा होगा तुम्हें मेरा अचानक आ जाना, तुमसे मिलना और जाते हुए तुम्हें खत दे जाना। वैसे तो बात करने में कोई लिहाज नहीं है मुझे, जो जी में आए मुंह पर बोल देता हूं, लेकिन यहां बड़ी बेबसी देखी मैंने। एक जरा सी बात कहने के लिए 3 सफ़ों का खत लिखना पड़ा, और वो भी ऐसे कि लिखने लिखने में रात गुजर गई। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस रात की सुबह होने तक कितनी सदियां बीत जाएंगी। ये भी मालूम नहीं था कि मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, और ये भी मालूम नहीं था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। साफ देखता हूँ कि तुम्हारी अम्मी और अब्बा मुझसे खुश नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत खुश हूँ। उनकी नफरत ने मुझे याद दिलाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत कितनी है। सुना था बचपन की मंगनी है तुमसे, तो समझा था खाला खालू से मिलूंगा तो वो गले लगाकर मुंह माथा चूमेंगे, सबको बुलाकर कहेंगे ये है हमारा खलील। लेकिन तूती चक वाली मुलाकात में मुझे सिर्फ ये जानने को मिला कि मैं उनका खलील नहीं हूं। इसलिए उनकी परवाह नहीं रही। इतवार को मेरे अम्मी अब्बा तुम्हारी तरफ जाएं ना जाएं, और तुम्हारे अम्मी अब्बा माने या ना माने, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं किसी का खलील हूं या नहीं अब ये नहीं सोचता, अब तो ये सोचता हूं कि मैं शानू का खलील हूं या नहीं। तुम्हारा खलील। इधर ही रोक दो यार। ले मेरी जान। थैंक यू कप्तान। लव यू। लव यू टू। ये ले अपना बैग और जा, ये दुआ दे रहा बावे। मैच जीत के आए हो ना? हाँ, जीत कर आया हूँ। क्या लेने आया था वो? यही बात फयाज भाई ने भी पूछी थी, और मैं तब भी हैरान हुई थी। अब्बा जी, कोई अपनी खाला के घर आए तो क्या मैं उससे ये पूछूं कि क्या लेने आया? कोई अपनी खाला के घर आए तो उस वक्त आए ना जब खाला खालू घर पे हो। फिर आएगा तो कह दूंगी। फिर आएगा? मुझ पर गुस्सा करने के बजाय लाहौर खत लिखिए और कहिए उनको कि आज के बाद वो यहाँ ना आए। फयाज को क्यों कहा है घर से जाओ? ये बात तो मैं आपसे भी पूछूंगी अब्बा जी। फयाज भाई को क्यों कहा था कि मेरी रखवाली करे? पहले तो तू इस तरह टाटा नहीं करती थी। जबान को लगाम दे के रख, कल पता नहीं फयाज से तेरी शादी हो जाए फिर क्या करोगी?
मैं क्या करूंगी अम्मी जी, चूंडी जहर खिलूंगी और खा के मर जाऊंगी। अच्छा तो कुछ सिखा पढ़ा के गया है तुझे? वो तो ये पूछने आया था कि जो पढ़ा सीखा है वो याद है, पढ़ाया सिखाया तो आपने, आप ही ने बताया था ना अलील से मंगनी है मेरी। सुन लो ठेकेदार साहब, बातचीत हो गई है दोनों की, दोबारा अपने मुंह से खलील का नाम ना लेना। नहीं लूंगी, पर आप भी वादा करो अप्पा जी कि मेरे नाम के साथ कोई फयाज का नाम नहीं लेगा। जा जा के पा। रोटी पकाऊं मेरी? लानत तेरी पकाई रोटी पे। मैं कुछ देख रहा हूँ शीदा। और मैंने कुछ देख लिया है ठेकेदार साहब। कितने साल से इंतजार कर रही थी कि कब देखूंगी और कुछ दिखाऊंगी कि रशीदा के अंदर छुपी हुई रशीदा कौन है। मतलब भी बताऊंगी एक दिन। अभी मैं खाना ले आऊं आपके लिए। जुल्फिकार, जुल्फिकार इधर आना यार। आया अभी यार। जुल्फिकार के लिए मीठी सी दूध पत्ती बनाना। हाँ भाई यार। हाँ क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा खत आने वाला है। कहाँ से? तुम्हें क्यों बताऊं कहाँ से? ठीक है, मैं डाकखाने की मोहर से देख लूंगा कहाँ से आया। वैसे कब आने वाला है? दो चार दिन। लव लेटर है? हाँ लव लेटर। कौन है? देख ऐसी बातें ना कर, प्यार करता हूँ उससे, मैं प्यार से ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। ठीक है फिर 10 रुपए जेब में डाल के रख। 10 क्यों? रोज 2 रुपए मिलते हैं मुझे, 5 में कर लूंगा। चल ठीक है 5 ही डन। देख तुझे कसम है लेटर बॉक्स में ना फेंकना, वहां से जो भी निकालेगा खुद पढ़ लेगा, बल्कि दूसरों को भी पढ़ा देगा। अरे तू क्यों फिक्र करता है, मैं उस खत को लेटर बॉक्स में नहीं जाने दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे हम सदके तुम्हारे।